और इसके साथ ही बड़ी खबर की ओर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से सामने आ रही है, सीधा बड़ी खबर की ओर करेंगे। बता दें कि सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अब ट्रालू ट्रकों के पलटने से नुकसान नहीं होगा, तो शिमला पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कई स्थानों पर क्रेन, बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। शिमला पुलिस ने निजी कंपनी के साथ बात की है, तो सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त की शिमला से, जहां सेब सीजन को लेकर शिमला पुलिस पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है। अब ट्राले या ट्रकों के पलटने से कोई नुकसान नहीं होगा, पहले से ही जो है कंपनी से बात कर ली गई है। कई स्थानों पर क्रेन और बड़ी मशीनें तैनात कर दी गई हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। शिमला पुलिस ने निजी कंपनी से भी बात कर ली है। ट्राले और ट्रकों के खराब होने से जाम लगता था, तो इस समस्या से भी अब जो है नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, पूरी तरह से शिमला पुलिस तैयार है। अब ट्रालों और ट्रकों के पलटने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही कई स्थानों पर क्रेन, बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। पहले ट्रालों या ट्रकों के खराब होने से जाम लग जाता था, तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए जो तैयारियां हैं उन्हें पूरा कर लिया गया है। एक निजी कंपनी के साथ भी बात कर ली गई है, तो पूरी तैयारी है जो शिमला पुलिस की ओर से कर ली गई है, क्योंकि सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है और शिमला पुलिस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब ट्रालों और ट्रकों के पलटने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो बता दें कि सेब सीजन के लिए शिमला पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब ट्रालों के ट्रकों के पलटने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कई स्थानों पर क्रेनें और बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। शिमला पुलिस ने निजी कंपनी के साथ बातचीत की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कामेश्वर एक बार फिर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कामेश्वर, सेब सीजन को लेकर अब शिमला पुलिस ने तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है, कई जगहों पर जो है क्रेनें और बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ट्रालों के ट्रकों के पलटने से काफी नुकसान होता था। ट्रालों के और ट्रकों के खराब हो जाने से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती थी, तो किस तरह की तैयारियां जो है की गई हैं? जी बिल्कुल तमन्ना जी, अगर इस बार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो लगभग देखा जा रहा है 700 से अधिक सड़क मार्ग बाधित है। ऐसे में खासकर सेफ सीजन में देखा जाता है जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि जो उसमें जाम लग जाता है तो ट्रक अगर समय पे नहीं पहुंचता तो कहीं ना तो कहीं किसानों और बागवानों का अत्यधिक नुकसान होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जो प्रशासन है प्रत्येक क्षेत्र चिन्हित किए हैं जहां पर संकरे रास्ते हैं, जहां पर लग रहा है उन्हें कि यहाँ लैंडस्लाइड अधिक हो सकती है, यहाँ जो नदी नाले के पास जो सड़क मार्ग है वहां पर यदि सड़क धस जाती है तो वहां पर क्रेनें लगाई गई है तत्काल से। यदि कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नदी के किनारे यदि कोई सड़क रह जाती है तो वहां पर जेसीबी वगैरह लगाई गई ताकि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके, अल्टरनेट रास्ता निकाला जा सके, खासकर जो बागवानों और किसानों की जो सेब है वो समय पर मंडी पे पहुंच सके। इसके अतिरिक्त जो क्रेनों को बीच बीच में जिस तरीके से रखा गया, और साथ ही जो उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की बात की जाए तो शिमला में जो खासकर जो हमारे सेब है वो शिमला, किन्नौर और चंबा इन क्षेत्रों में अत्यधिक होते हैं, खासकर सिरमौर के भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र है पर लेकिन उनका जो डाइवर्ट है वो उत्तराखंड की तरफ है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र जो शिमला किन्नौर इसको लेके मद्देनजर रखते हुए जो उपायुक्त ने बैठक की है, साथ ही इसके अतिरिक्त जो किन्नौर जिला के उपायुक्त है उन्होंने भी जो वैकल्पिक मार्ग है उनको भी दुरुस्त किया है, जगह जगह क्रेनें लगाई गई है ताकि सब्जियों में सही रूप में मंडी आई। इस बार अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में खासकर जो कि आपने को हमने पहले भी बताया था कि 52 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है, खासकर जो वर्षा हुई है वो अत्यधिक वर्षा हुई, इसके कारण जो जगह जगह लैंडस्लाइड की प्रक्रिया अभी भी जारी है, खासकर जो बादल फटने की प्रक्रिया वो भी अभी जारी है। ऐसे में जो खासकर देखा जा रहा है जो सड़क मार्ग है वो अभी लगभग 700 से अधिक प्रभावित है। यदि रूटों की बात करी जाए तो 1200 रूट अभी भी ठप पड़े, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जो कठिन परिस्थितियां हैं लेकिन उसके बावजूद ही प्रशासन का ये प्रयास है कि हम अपने जो बागवान और किसानों की जो फसल है वो सही टाइम पे मंडियों में पहुंचाया जाके इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ खासकर जो अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें चाहे वो चंडीगढ़ शिमला है या फिर शिमला से पठानकोट है, उन
हादसों में भी अभी लगातार, यदि आज लैंडस्लाइड होता तो लगभग एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसे लैंडस्लाइड हो। खासकर ये भी देखा जा रहा है 2 या 3 घंटे के जो ट्रैफिक है लोगों को अभी भी जूझना पड़ रहा है। लेकिन ये रात की बात है कि पर्यटक है, खासकर वो पर्यटक जो चाहे चंडीगढ़ शिमला आते थे, जैसे खासकर चंडीगढ़ पंजाब राजस्थान से आते थे, लेकिन ये कम है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले पर्यटकों से आग्रह किया जब तक स्थिति नहीं खराब रहती तब तक ना आए। जी मैम, जी कामेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।